नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस विषय की जो पूरे परिवारों को ख़त्म कर देता है। हम बात करेंगे तंबाकू खाने और सिगरेट पीने के विषय में। कुछ वक्त पहले की बात है, आज से महीना भर पहले की बात, मैं दिल्ली गया था तो वहाँ पर जैसे ही हम एयरपोर्ट पर उतरे, अंदर आए, जो उनका टर्मिनल होता है उसमें आए, तो हमने देखा कि उसमें एक कमरा बना हुआ है, कांच का कमरा है, और उस कमरे में क्या लिखा है, कृपया सिगरेट इस कमरे में आके पिए। मैं देख के आश्चर्यचकित रह गया कि एयरपोर्ट पे सिगरेट पीने के लिए भी अलग कमरे की सुविधा है। और वो आश्चर्य और बढ़ता गया जब हमने देखा कि वह कमरा हाउसफुल है, मतलब लड़के लड़कियां इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे सिगरेट पी रही थी कि और लोगों के अंदर अब आने की जगह नहीं थी। मैं इस स्थिति से हतप्रभ रहा, इसके बारे में सोचता रहा, और तभी हमने प्रण करा कि ये वीडियो हम कभी ना कभी बनाएंगे जो आपको इस बुराई से दूर होने में मदद करे। अगर वास्तव में आप अपनी मदद जीवन में करना चाहते हैं तो, और अपने परिवार की खुशी चाहते हैं तो। वो जो मंजर था, पढ़े लिखे लोग थे, मतलब जैसा मैं एनालाइज कर पा रहा था, जब मैं गैलरी से निकला सामने से, तो मैं एनालाइज कर पा रहा था कि ये सब पढ़े लिखे लोग थे, वेल सूटेड थे। ये लड़के लड़कियां मल्टीनेशनल कंपनी में होंगे, इनका तनख्वाह 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना होगी, और कुछ की नहीं भी होगी, क्योंकि सिगरेट तो रिक्शे वाले से लेके एक IAS अधिकारी तक कोई भी पी सकता है। लेकिन वो जो हाउसफुल कमरा था वो आज तक हमें याद है, और मैं दोबारा कभी दिल्ली जाऊंगा तो उस कमरे के सामने से फिर से गुजरूंगा ज़रूर, ये देखने के लिए कि क्या सरकार ने और अगल आसपास एक कमरे की व्यवस्था कर दी, क्योंकि ऐसे पीने वालों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। यह प्रयास हमारा है, ये वीडियो, कि उस संख्या को ख़त्म करने में मैं अपने जो मदद कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन करता हूँ, वो कर दूँ। यह वो सामाजिक बुराई है जो जो करता है उसको नहीं छोड़ती है और उसके घर वालों को नहीं छोड़ती है। आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि हिंदुस्तान में 6 लाख लोगों की मौतें सालाना सिगरेट पीने से होती हैं, और 6 लाख लोगों की मौतें पैसिव स्मोकिंग या जो सिगरेट पी रहा होता उसके साथ रहने या चलने से होती हैं। तो इतनी बड़ी ये सामाजिक बुराई है। आजकल एक सिगरेट 10 रुपए की आती है, इससे कम नहीं आती। और एक तरफ हम लोग बात करते हैं बड़ी महंगाई है, और दूसरी तरफ हम लोग सिगरेट पीने में पीछे नहीं रहते हैं, मसाला खाने में पीछे नहीं रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे इसको, इस बुराई को दूर करने की अपने घर से और अपने समाज से 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। दवा बताने से पहले साथियों बता दें, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि आपके सिम्टम भिन्न हो सकते हैं आपके बीमारी से। लेकिन यह वीडियो एक प्रयास है इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने का। हर आदमी कहता है कि सिगरेट पीना छोड़ो, तंबाकू खाना छोड़ो, लेकिन बात यह है कि इसको कैसे छोड़ा जाए। 50% आप अपनी मदद खुद करिए, यानी अपने विल पावर को स्ट्रांग करिए सिगरेट छोड़ने के लिए, और 50% हम आपको कारगर दवाएं बताते हैं इस बुराई से, सामाजिक पारिवारिक बुराई से बाहर निकलने की। आप दोनों काम साथ में करिए, देखिए कि आपकी यह बुराई कैसे छूट जाएगी, और आपकी मेहनत का जो पैसा है वह आपके परिवार के काम के लिए बचेगा, ना कि छल्ले बनाने और सिगरेट उड़ाने के लिए। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको तंबाकू छोड़ने की या सिगरेट पीना छोड़ने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट दवा जो होम्योपैथी में है, या सबसे बेहतर दवा जो होम्योपैथी में है तंबाकू की लत छोड़ने की, वह है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक टॉप मेडिसिन है जो आप, जिसको लेने से आपका एंजाइटी यानी बेचैनी ख़त्म हो जाती है, जो तंबाकू छोड़ने पर आपको होती है। जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो आपको बेचैनी होने लगती है, आपको उलझन होने लगती है, आपको डर होने लगता है, आपको घबराहट होने लगती है,
और रात में आपकी तकलीफें बढ़ती हैं, तो इन सब सिम्टम्स के लिए आर्सेनिक एल्बम सबसे अच्छी दवा होती है। आर्सेनिक एल्बम उस स्थिति में आपकी बहुत अच्छी दवा है अगर आपको तंबाकू छोड़ने के प्रयास में बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, रात के 12 बजे के बाद आपकी तकलीफें बढ़ रही हैं और आपको थोड़े थोड़े वक्त पे पानी पीने की इच्छा हो रही, प्यास लग रही है, तो अगर यह सिम्टम आप में हैं तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस आर्सेनिक एल्बम है। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके बहुत आसानी से अपनी तंबाकू खाने की गंदी लत को छुड़ा सकते हैं, वह लत जो आपके बीवी बच्चों परिवार सब के लिए घातक है। आप तो तंबाकू खा रहे हैं, अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ में आप अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यह दवा आपकी उसमें मदद कर देगी, आपके परिवार को बचाने में भी और आपको बचाने में भी। एक स्थिति आती है साथियों, और यह मरीज का सबसे पहला वर्ड्स होते हैं क्लिनिक आने पर कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा बता दीजिए कि तंबाकू खाने की इच्छा ही ना हो, सिगरेट पीने की इच्छा ही ना हो। होम्योपैथी में इसका बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है प्लांटैगो। अगर आप प्लांटैगो मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में 3 बार लेते हैं, यानी 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम और 20 बूंद रात इस मदर टिंचर को लेते हैं, तो आपकी इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी तंबाकू खाने की। तो आप प्लांटैगो लीजिए, इस सामाजिक बुराई को और अपने, मैं तो कहूँगा पारिवारिक बुराई को छोड़िए और अपने को स्वस्थ करिए। फिर साथियों, एक दवा आती है जब आपको जो इच्छा होती है तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करने की, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में हो, चाहे वो तंबाकू के फॉर्म में हो, चाहे वो मसाले के फॉर्म में हो, तो जो इच्छा होती है उसको कम करने की, और वह बहुत कारगर दवा है आर्निका। जी हाँ, आर्निका हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि आर्निका चोट में काम आती है, घाव में काम आती है, दर्द में काम आती है, लेकिन आर्निका होम्योपैथी में तंबाकू खाने की लत को कम करने की बहुत कारगर दवा है। तो अगर आपको तंबाकू खाने की अगर लत है, उसकी मतलब आपको चाहिए ही चाहिए वो वाली स्थिति है, तो आप आर्निका 1 mg पावर में 2-2 खुराक दिन में 3 बार लेके अपनी इस लत को ख़त्म कर सकते हैं और साथ में इसी तरह से आप तंबाकू को छोड़ सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि आपने इतनी ज़्यादा सिगरेट पी या इतना तंबाकू का सेवन करा कि आपकी आंखें कमज़ोर होने लगी, आपको वीकनेस आने लगी विजन में। अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो है वह एक और सिम्टम होता है इसमें हेयर फॉल, फास्फोरस के मरीज का हेयर फॉल भी बहुत होता है, तो अगर आप ऐसी स्थिति देखते हैं तो आपके ड्रग ऑफ द चॉइस फास्फोरस है। इसकी 1 mg पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली लेकर आप अपने को ठीक कर सकते हैं और तंबाकू की आदत को छुड़ा सकते हैं और अपने विजन को पुनः बेहतर प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आईसाइट को स्ट्रांग कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपने जब तंबाकू छोड़ने की कोशिश करी या सिगरेट पीना छोड़ने की कोशिश करी तो आप स्ट्रेस में आ गए, तनाव में आ गए। तो अगर आप तंबाकू छोड़ रहे हैं और उसमें आप स्ट्रेस पे आए जा रहे हैं तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है एकोनाइट नेप्लस। आप एकोनाइटम नेप्लस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको स्ट्रेस हो रही है तंबाकू छोड़ने पर, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस एकोनाइट है। एकोनाइट 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है जिससे हम सब वाकिफ हैं जो ये तंबाकू या सिगरेट पीने वालों में होती है कि आपको मोशन नहीं पास होता। कभी किसी से कहो कि भाई सिगरेट बुरी चीज़ है, इसको छोड़ दो, तो व्यक्ति कह देता है कि डॉक्टर साहब अगर हम सिगरेट नहीं पीते हैं तो हमको मोशन नहीं पास होता, सुबह स्टूल पास नहीं होता, तो हमको 2 सिगरेट सुबह पीनी ही पीनी है। तो अगर यह स्थिति में आप हैं कि आपको स्टूल नहीं पास होता है बिना सिगरेट पिए या बिना तंबाकू का सेवन करे, तो इस स्थिति से निपटने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैलेडियम। आप कैलेडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका ये दवा लेने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा भी कम हो गई, सिगरेट पीने की इच्छा भी कम हो गई, और बिना सिगरेट पिए
आपको स्टूल यानी मोशन पास होने लगा। एक स्थिति आती है साथियों, बहुत लोगों में जो तंबाकू खाते हैं या तंबाकू छोड़ने की कोशिश करते हैं कि उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो अगर यह स्थिति आप में है कि आपका हाथ पैर ठंडा हो गया, बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज़ आपकी कोल्ड हो गई हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है तंबाकू छोड़ने पर, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा टबैकम है। आप टबैकम 1 EM पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें 3-6 महीने तक। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा ही खत्म हो गई, अनिच्छा हो गई आपकी सिगरेट पीने या तंबाकू खाने को लेकर। तो अगर आप तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं तो एक बार टबैकम ज़रूर ट्राई करिएगा, शायद ये आपकी बहुत मदद कर देगी अगर आप अपनी मदद करना चाह रहे हैं तो। एक स्थिति आती है साथियों कि जब आप तंबाकू की लत छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको उकाई आने लगती है, नौजिया होने लगता है, वॉमिटिंग का सेंसेशन होने लगता है। अगर यह स्थिति है तो इसमें भी होम्योपैथी आपकी मदद कर सकती है तंबाकू की लत छोड़ने में, और वह बहुत ही आसान है। आप यूजीनिया जम्बोस नाम की दवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यूजीनिया वो दवा है जो आपके तंबाकू छोड़ने की स्थिति में जो आपको उकाई आती, नौजिया आती है, उस स्थिति को ख़त्म करके आपको सामान्य रूप से तंबाकू छोड़ने में मदद कर देगा। आपको उकाई नहीं आएगी, आपको उल्टी नहीं आएगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों टुबैको क्रेविंग की छोड़ने की, या इस सफ़र के बीच की स्थिति जब आप तंबाकू छोड़ रहे होते हैं या सिगरेट पीना छोड़ रहे होते हैं, पागलपन की स्थिति आती है। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, क्रॉनिक मसाला खाने वाले हैं तंबाकू वाला, तो आपको जब आप छोड़ेंगे तो एक पागलपन की स्थिति आ जाएगी, मैडनेस की स्थिति आ जाएगी। एंजाइटी या बेचैनी इतनी ज़्यादा होगी कि वह मैडनेस की स्थिति में तब्दील हो जाएगी। अगर वह स्थिति हो साथी हो तो उस स्थिति से निपटने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपने सो कॉल्ड पागलपन को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी दवा है स्टेफिसैग्रिया। आप स्टेफिसैग्रिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो ये बेचैनी, उलझन, पागलपन वाली स्थिति तक जो है वह ख़त्म हो गई, और आपको तंबाकू छोड़ने में, सिगरेट छोड़ने की सामाजिक बुराई को छोड़ने में बहुत मदद करे। एक स्टडी में साथियों देखा गया है कि जो लोग तंबाकू या सिगरेट ज़्यादा पीते हैं वो हार्ट के मरीज बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आपने तंबाकू का कभी सेवन करा है, हम ये नहीं कहेंगे आप कर रहे हैं, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं वीडियो देखने से पहले या वीडियो के दौरान आप ये प्रण ले चुके होंगे कि आप तंबाकू खाना छोड़ देंगे। तो यदि आपने कभी तंबाकू बहुत ज़्यादा ली है या सिगरेट बहुत पी है और आप हार्ट के मरीज हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है स्पाइजिलिया। आप स्पाइजिलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका तंबाकू खाने की लत भी छूट गई और आपका जो हार्ट के डिजीज है वह भी ठीक होने लगे और आप अपने को बेहतर महसूस करने लगे। फिर एक स्थिति आती है कि एक व्यक्ति चेन स्मोकर है और उसके शरीर में इतना ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो गया है कि वह परेशान हो गया, वह वीक हो गया, यानी कि उसने बहुत सिगरेट पी है और ज़्यादा सिगरेट पीने के बाद उसके बॉडी में टॉक्सिसिटी आ गई है। तो अगर यह स्थिति अपने किसी भाई में हो तो उस स्थिति को निपटने के लिए, यानी शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जो सिगरेट पीने का बैड इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है नक्स फोमिका। हम लोग आमतौर पर पेट को ठीक करने में नक्स फोमिका लेते हैं, लेकिन नक्स फोमिका आपके बॉडी को सिगरेट के बैड इफ़ेक्ट को डिटॉक्सिफाई करने की प्रीमियम दवा है, सबसे कारगर दवा है। यह दवा लेके आप आसानी से अपने बॉडी को जो सिगरेट के कारण दूषित हो गया है, टोबैको इंटेक के कारण दूषित हो गया है, पल्यूटेड हो गया है, उसको डिटॉक्सिफाई करके अपने बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं, और एक बार बॉडी स्वस्थ हो जाए तो आगे सिगरेट ना पिए। एक स्थिति आती है साथियों तंबाकू खाने वालों में और सिगरेट पीने वालों में कि उनका पेट हमेशा ख़राब रहता है। अगर यह स्थिति आप में है तो इसके लिए आप 2 काम कर लीजिए कि एक काम तो आप इसको तुरंत ही, इस बुराई को ख़त्म कर दीजिए तंबाकू को और सिगरेट पीने को, और सीपीआर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। यह बहुत अच्छी दवा है तंबाकू पीने से होने वाले डिस्पेप्सिया में, यानी पेट खराब होने में। ड्रग ऑफ द चॉइस सीपीआर है। सीपीआर 30 पावर 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप अपने को इसके तंबाकू की क्रेविंग को भी ख़त्म कर सकते हैं और स्वयं को भी ठीक कर सकते हैं।
फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपने सिगरेट पीना छोड़ने की कोशिश करी और जब आपने एक आध दिन सिगरेट नहीं पी तो आपके सर में भयंकर दर्द होने लगा, हेडेक होने लगा। तो अगर यह स्थिति आप में हो कि जब आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं या टोबैको को लेने छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, इतना हेडेक होता है कि लगता है सर को पूरे शरीर से अलग कर दिया गया, अगर यह स्थिति आप में हो तो इस स्थिति से निपटने के लिए और आपको टोबैको की लत को छोड़ने के लिए, सिगरेट की लत को छोड़ने के लिए बहुत कारगर दवा है डैफने इंडिका। आप डैफने इंडिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका टोबैको की लत भी छूट गई, सिगरेट पीने की लत भी छूट गई, उसकी हैबिट भी ख़त्म हो गई और आपके सर में दर्द भी नहीं हुआ। डैफने इंडिका में इतना ज़्यादा सर में दर्द होता है कि लगता है सर को पूरे बॉडी से अलग कर दिया गया। तो अगर आपको हेडेक है, सीवियर हेडेक है और जैसे ही आप सिगरेट छोड़ते हैं यह तकलीफ बहुत बढ़ जाती है तो डैफने इंडिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार लेकर आप सिगरेट भी छोड़ सकते हैं और सर में दर्द भी खत्म कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को साथियों पता होगा कि जब आप ये जो तंबाकू या सिगरेट खाते हैं आपकी आईसाइट पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती है और उसी में एक स्थिति आती है कि जब आपकी ऑप्टिक नर्व सूज जाती है, इडेमा हो जाता है ऑप्टिक नर्व का और आपकी डिप्लोपिया यानी डबल विजन हो जाता है। अगर यह स्थिति आप में है तो और आप सिगरेट बहुत पीते हैं, आप तंबाकू बहुत खाते हैं तो इस स्थिति से निपटने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है प्लम्बम मिटैलिकम। प्लम्बम मिटैलिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आपका जो डिप्लोपिया हो रहा है, डबल विजन हो रहा है और जो इडेमा ऑफ ऑप्टिक नर्व हो गया है यह भी ख़त्म हो जाएगा और प्लम्बम मेट कब्ज को दूर करने की भी बहुत अच्छी दवा है। तो इन दोनों स्थितियों में आप प्लम्बम मेट को लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपने सिगरेट छोड़ने की कोशिश करी, टोबैको ना लेने की कोशिश करी और आपको मूड स्विंग्स होने लगे, आपको डिप्रेशन होने लगा। तो अगर यह स्थिति आपके हो कि जब आप सिगरेट या टोबैको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको मूड स्विंग्स होने लगते हैं, आपको डिप्रेशन होने लगता है, तो उस स्थिति को ठीक करने की और आपको सिगरेट को छोड़ने में मदद करने की बहुत अच्छी दवा है इग्निशिया अमारा। आप इग्निशिया अमारा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हो, डिप्रेशन आ रहा हो, नींद ना आ रही हो। तो अगर ये तीन स्थितियां हैं, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और इंसोमनिया यानी नींद ना आना टोबैको छोड़ने के कारण, तो इग्निशिया अमारा आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह आपको इस समस्या से निकाल के आपको पूरी तरह ठीक कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि जब आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है। तो अगर डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों चीज़ें एक साथ आपको हो रही हैं सिगरेट छोड़ने पर या टोबैको को इंटेक को ख़त्म करने पे, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है काली फॉस। आप काली फॉस 6x30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका सिगरेट भी छूट गई और आपको एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हुआ। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको सिगरेट छोड़ने के जब आप कोशिश करते हैं, सिगरेट छोड़ देते हैं कुछ दिन, तो एक इम्पोटेंसी डेवलप हो जाती है। तो अगर आपको इम्पोटेंसी की शिकायत हो रही है सिगरेट छोड़ने कारण, टोबैको छोड़ने कारण, तो उस स्थिति को ठीक करने की और आपको पुनः विगर और ताकत देने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लाइकोपोडियम। आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें जब आप देखते हैं कि आपने सिगरेट छोड़ी, टोबैको छोड़ा और आपको उसके वीकनेस आने लग गई, तो इम्पोटेंसी की स्थिति के लिए बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में लाइकोपोडियम है। यह दवा लेकर आप अपने पेट की गैस और भारीपन को भी ख़त्म कर सकते हैं, पेट की गैस की घुघराहट को ख़त्म कर सकते हैं और यह दवा लेकर आप अपनी ताकत को पा सकते हैं और आप निश्चिंती से सिगरेट या तंबाकू का सेवन बंद कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि जब आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों में तो उनकी धड़कन बढ़ जाती है। तो अगर
आप सिगरेट छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उससे आपकी धड़कन बढ़ रही है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लाइकोपस। आप लाइकोपस वर्जिनेलिस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जैसे ही जहां पर आप सिगरेट छोड़ने का या टोबैको का इंटेक खत्म करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही आपको पैल्पिटेशन यानी धड़कन महसूस होने लगती है। उस स्थिति की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में लाइकोपस है। यह आप एक बार कोशिश करें, आप देखेंगे कि आपकी धड़कन भी नॉर्मल हो गई और आपको कोई नुकसान भी नहीं हुआ। फिर एक स्थिति आती है साथियों, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि मरीज जो है वो तंबाकू तो खाना चाहता है, सिगरेट तो पीना चाहता है, लेकिन उसे इसकी महक नहीं अच्छी लगती। यानी उसमें खाने की क्रेविंग है, सिगरेट की पीने की क्रेविंग है, तंबाकू खाने की क्रेविंग है, लेकिन उसकी महक उससे बर्दाश्त नहीं होती। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लोबेलिया इन्फ्लाटा। अगर आपने इतनी सिगरेट पी है कि आपकी सांस फूलने लगी, आप एस्थमेटिक हो गए हैं और आपको तंबाकू खाना तो अच्छा लगता है, सिगरेट पीना तो अच्छा लगता है, उससे आपको सुकून मिलता है, लेकिन उसकी महक आपको बहुत बुरी लगती है, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस लोबेलिया इन्फ्लाटा है। यह आपके सिगरेट छोड़ने में भी मदद करेगी अगर यह सिम्टम आप में है, और आपके एस्थमा को भी ठीक करेगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति एक समझदारी का स्टेप लेता है और सिगरेट पीना छोड़ देता है, तो उसकी मसल में वीकनेस आ जाती है। तो अगर आप सिगरेट या तंबाकू का सेवन आप करना छोड़ दिए और आपका मसल में वीकनेस आने लगी, तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एसिडम म्यूरेटिकम। एसिडम म्यूरेटिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार लेने से आपका सिगरेट की स्थिति भी ख़त्म हो जाएगी, सिगरेट पीने का जो है इच्छा भी ख़त्म हो जाएगी, और आपको जो मस्कुलर वीकनेस आई है वह ख़त्म हो जाएगी और आप अपना एनर्जी और विगर पूरी तरह वापस प्राप्त कर लेंगे। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपको तंबाकू या सिगरेट छुड़ाने की लत को ख़त्म करने की। यह ऐसी बुराई है साथियों जो आपको ही नहीं आपके परिवार को भी ख़त्म करती है। आजकल एक सिगरेट 10 रुपए की होती, महंगी सिगरेट हो गई है, शायद इनमें से कोई दवा आपकी मदद कर दे। एक बार आप इसमें से अपने सिम्टम को देख के समझ के किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा और जल्दी से जल्दी इस बुराई को छोड़ दीजिएगा। अगर साथियों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अपने साथियों से इसको सब्सक्राइब करने को बोलिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर सबसे पहले हमारा सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में लिख कर भेज दीजिएगा, आपको उचित जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और एक अभियान के रूप में इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।